तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। आपके पास दो फंक्शन है, एक्स जो एलजेब्रिक है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आपको यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है, किसे फर्स्ट फंक्शन ले और किसे सेकेंड फंक्शन ले, ठीक है। तो यहाँ पे एलजेब्रिक एक्स एलजेब्रिक है, ठीक है, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ रहा है, एलजेब्रिक पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट नंबर दिया जाएगा और साइन एक्स को सेकेंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल है। इस ऑर्डर से हम डिसाइड कर रहे हैं, ना कि यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। खैर, अब ये फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड देन डी एक्स। क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां से भी आएगा। सेम इंटीग्रल दो जगह होता है, यहां पे भी होता है और अंदर उधर भी होता है। अच्छा, ये माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और डी बाई डी एक्स वन होता है यहाँ पे, सॉरी। तो ये माइनस बाहर चला गया, सिर्फ आपके पास क्या बचा, कॉस बचा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये आ गया साइन एक्स और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, माइनस एक्स कॉस एक्स। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।